हाय फ्रेंड्स दिस इज़ जुनाली सो आज हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं तो आज हम क्या पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक बियरिंग तो मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है ये देखते हैं उससे पहले ये देखते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है होएन ए मैग्नेटिक निडल इज सस्पेंडेड फ्रीली इट विल सो ए डरेक्शन विच इज़ नोन एज द मैग्नेटिक मरीडियन ठीक है ये जो है हमारा निडल है अगर ये जब हमारा फ्रीली मूव करता है इसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरेडियन है ना ये देखिए ये जो है हमारा मैग्नेटिक मरीडियन है ये निडिल ऐसे से टिल्ड करके फ्रीली मूव कर रहा है इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मरीडियन द एंगल ऑफ ए लाइन मेक्स विद द मैग्नेटिक मेरिडियन इट इज़ नोन एज द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ में जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है ये वाला देख रहे सपोज़ ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है इसके साथ अगर ये एंगल बन रहा है हमारा तो इसको हम बोलेंगे क्या मैग्नेटिक बियरिंग और ये क्या है ये जो है ये हमारा ट्रू मेरिडियन है और ट्रू मेरिडियन के साथ जो हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलेंगे ट्रू बियरिंग ठीक है so, सो अभी हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक बियरिंग के बारे में जो कि होता है टू टाइप्स का एक है होल सर्कल बियरिंग सेकेंड वन इज़ रिड्यूस्ड बियरिंग ओके सो so, होल सर्कल बियरिंग क्या होता है इन दिस सिस्टम द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज़ मेज़र्ड क्लॉक वाइज फ्रॉम द नॉर्थ पॉइंट अप टू द लाइन ये देखिए ये हमारा नॉर्थ पॉइंट है ये साउथ है ये ईस्ट है ये वेस्ट है होल सर्कल बियरिंग में हमारा जो मेजरमेंट होगा हमेशा क्लॉक वाइज होगा और हमेशा नॉर्थ से ही होगा नॉर्थ पॉइंट से हम बेरिंग करेंगे और क्लॉकवाइज डिरेक्शन में ठीक है ये देखिए अगर हम बोलेंगे सी ए का होल सर्कल बेरिंग कितना है ये होगा हमारा ट्वेंटी डिग्री ठीक है और सी ई e का कितना होगा ये यहाँ से यहाँ तक ठीक है अगर हम बोलेंगे सी बी का कितना होगा वन सिक्सटी होगा ठीक है सी डी का कितना होगा ये होगा टू हंड्रेड ये जो हमारा रेफरेंस है हमारा नॉर्थ पॉइंट से भी है ठीक है यहाँ है होल सर्कल बियरिंग ऑफ सी बी सी बी जो कि है वन सिक्सटी डिग्री सॉरी यहाँ पे टू हंड्रेड लिखा हुआ है ये हो जाएगा वन सिक्सटी डिग्री ठीक है ई बी का कितना हो जाएगा वन सिक्सटी ठीक है अब क्या है रिड्यूस्ड बियरिंग सो रिड्यूस्ड बियरिंग क्या है इन दिस सिस्टम द बरिंग इज मेजर क्लॉक वाइज और काउंटर क्लॉक वाइज फ्राम द नॉर्थ और साउथ टुआर्ड्स द ईस्ट और वेस्ट ठीक है नॉर्थ या साउथ से हम ईस्ट के टुआर्ड्स से मेजर कर सकते हैं आइदर वेस्ट के टूअर्ड्स हम मेजरमेंट कर सकते हैं फोर क्वाड्रांस सॉरी फोर क्वाड्रांस से, दिस 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 नॉर्थ से ईस्ट साउथ से ईस्ट साउथ से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या साउथ से वेस्ट ठीक है फोर क्वाड्रांस आर कंसिडर्ड आर डिनोटेड एज नॉर्थ से ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ से वेस्ट साउथ से ईस्ट साउथ से वेस्ट हमारा जो मेज़रमेंट का पॉइंट होगा नॉर्थ या साउथ से ठीक है so, सो अब हम देखेंगे कंपैरिजन क्या है होल सर्कल बेयरिंग एंड क्वाड्रेंटल बेयरिंग में ठीक है ये जो हम रिड्यूस्ड बेयरिंग को हम क्वाड्रेंटल बेयरिंग भी बोलते हैं ठीक है so, सो द हॉरिजेंटल एंगल व्हिच इज मेड बाय द सर्वे लाइन विथ द मैग्नेटिक नॉर्थ इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नोन एज द होल सर्कल बेयरिंग जैसे मैंने बताया जो होल सर्कल बेयरिंग में नॉर्थ पॉइंट से हमने मेजरमेंट करते हैं और इसका डायरेक्शन क्या रहता है क्लॉकवाइज रहता है ठीक है और क्वाड्रेंटल बेयरिंग में क्या होता है द हॉरिजेंटल एंगल विच इज़ मेड बाई ए सर्वे लाइन विथ द मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ व्च एवर इज नियर द लाइन इन द ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड डरेक्शन इज नोन एज क्वाडेंटल वेयरिंग और रिड्यूस्ड वियरिंग ठीक है इसमें क्या है न जो हम पॉइंट्स लेंगे हम नॉर्थ से ले सकते हैं और भी साउथ से भी ले सकते हैं और हम मेजरमेंट जो करेंगे ईस्ट के टवर्ड्स कर सकते हैं इधर वेस्ट के टुअर्स कर सकते हैं जो हमारा नियरेस्ट होगा ठीक है और ये हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन में हम कर सकते हैं ठीक है इन द होल सर्कल ब्योरिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ लाइन इज कंसिडर एज द रेफरेंस लाइन ठीक है इन द क्वाड्रेंटल ब्योरिंग बोथ मैग्नेटिक नॉर्थ एज वेल एज साउथ लाइन आर कंसिडर एज ए रेफरेंस लाइन ठीक है इसमें क्या होता है नॉर्थ को रेफरेंस मारते हैं सिर्फ और इसमें नॉर्थ साउथ दोनों को ठीक है इन द होल सर्कल बियरिंग ओनली क्लॉक वाइज एंगल इज टेकन फ्रॉम द रेफरेंस सर बैंक इसका जो डिरेक्शन है होल सर्कल बियरिंग का वो होगा क्लॉक वाइज और जो क्वाड्रेंटल बियरिंग का होगा बोथ क्लॉक वाइज एज वेल एज एंटी क्लॉक वाइज और काउंटर क्लॉक वाइज ठीक है और द वैल्यू ऑफ द होल सर्कल बियरिंग रेंजेज फ्रॉम ज़ीरो टू थर्टी सिक्सटी सॉरी सॉरी थ्री सिक्सटी डिग्री ओके टोटल हम जीरो से थ्री सिक्सटी डिग्री पूरा सर्कल हम ले सकते हैं ठीक है लेकिन द वैल्यू ऑफ़ द क्वाड्रेंटल वेयरिंग क्या है ज़ीरो टू नाइन्टी डिग्री ले सकते हैं क्यों ज़ीरो टू नाइन्टी डिग्री ले सकते हैं उसमें हम चार क्वाड्रेंट यूज़ कर रहे हैं तो हर क्वाड्रेंट में हमारा जी नाइन्टी डिग्री तक ही रहता है और जब हमारा सर्कल रहता है उसमें टोटल थ्री सिक्सटी डिग्री रहता है इसीलिए हम जब पूरा फुल सर्कल बियरिंग करते हैं उधर थ्री सिक्सटी डिग्री लेते हैं जीरो टू और जब हम क्वाड्रेंटल बियरिंग लेते हैं जीरो टू नाइन्टी डिग्री इसीलिए जो क्वाड्रेंट में हम डिवाइड करते हैं इसीलिए हम रिड्यूस्ड बियरिंग का दूसरा नाम क्वाड्रेंटल बियरिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि वो चार क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है ठीक है तो हम डिनोट कैसे करेंगे द एग्ज़ाम्पल ऑफ होल सर्कल बियरिंग यार ये देखिए थर्टी डिग्री फोर्टी डिग्री एट्टी डिग्री एंड सो ऑन जो ऐसे हैं हम डायरेक्ट डिग्री पे हम डिनोट कर सकते हैं होल सर्कल ब्योरिंग में ठीक है अब जब क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम क्या कर सकते हैं हम देखें ना दो नॉर्थ या साउथ पॉइंट से लेते हैं यहाँ दिया है नॉर्थ थर्टी फाइव डिग्री टूअर्ड्स ईस्ट साउथ फोर्टी नाइन डिग्री टूआर्ड्स ईस्ट नॉर्थ सिक्सटी फाइव डिग्री टूआर्ड्स वेस्ट साउथ ट्वेंटी फाइव डिग्री टुआर्ड्स वेस्ट एक्सेट्रा ठीक है अब हम देख लेते हैं यहाँ यहाँ देखिए यह फिगर में ये होल सर्कल बियरिंग है तो हम नॉर्थ को ऑलवेज रेफरेंस पॉइंट लेंगे नॉर्थ से मेज़र करेंगे अब तो ये जो पॉइंट है ओ बी का जो होगा होल सर्कल बियरिंग टोटल टू फोर्टी डिग्री यहाँ से यहाँ तक ठीक है और रिड्यूस्ड बियरिंग में क्या होगा ये देखिए हम नॉर्थ या साउथ किसी दोनों में से किसी को एक को रेफरेंस ले सकते हैं सपोज़ हम साउथ लेते हैं कोई जो नियरेस्ट आर्ट्स होगा उसी को लेंगे तो ये जो है बी ओ बी जो है ये साउथ से नियरेस्ट है ना तो हम क्या ले लेंगे साउथ को रेफरेंस लेंगे और साउथ सपोज ये सिक्सटी डिग्री है साउथ सिक्सटी डिग्री टूअर्ड्स किसके टूअर्स वेस्ट के टूअर्ड्स साउथ सिक्सटी डिग्री टूअर्ड्स वेस्ट ठीक है सो ये था हमारा होल सर्कल बियरिंग थैंक यू